वैक्सीन है। जिम्मेदार वो था, अब जो आपको प्रसाद मिल रहा है उसका जिम्मेदारी उसकी थी। जब तो भक्ति में टेढ़े होके चल रहे थे, आई एम प्राउड टू बी वैक्सीनेटेड है, तब तो बड़ा लगा रहे थे फोटो लगा के मोदी की, तब अब तो वैक्सीन के सर्टिफिकेट से फोटो हटा दिया, डाउनलोड करके देखो दोबारा से फोटो हटा दिया। अरे जितने लोगों की पिछले 8 करोड़ लोग मर गए, 6 महीने में 8 करोड़ लोग मर चुके हैं, शमशान घाट का आंकड़ा है। एक्स्ट्रा जो पहले रूटीन में मरा करते थे उससे एक्स्ट्रा 6 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोग मर गए, 6 महीने में मरते हैं। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी तो उसी की फोटो होनी चाहिए ना, जिन्होंने भेजा है उसको, टिकट जिसने कटवाई है उसकी टिकट का फोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। बड़ा खेल खेला। अभी क्या हो रहा है, अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़े कमाल की बात होने वाली है इस वैक्सीनेशन वाले पेपर में बड़ा, क्योंकि बार बार नहीं बोला जाएगा, आपको बता रहा हूं। अभी इन्होंने सिर्फ 2 ही बीमारियों के लिए बोला है कि हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज। और उस वैक्सीन कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, उसकी वेबसाइट के ऊपर इस वैक्सीन की फैक्ट शीट लिखी हुई है, तभी की लिखी है 2021 की, 26 जनवरी 2021 को चालू हुआ था वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उससे पहले की लिखी हुई है, उसमें सारे साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। और वो क्या क्या है, क्लॉट बन सकता है, चक्कर आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, बाल उड़ सकते हैं, खुजली लग सकती है, दाने हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, मुंह लाल हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, कैंसर हो सकता है, नपुंसकता हो सकती है, बांझपन हो सकता है, पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आ सकती है, परमानेंट कोई बीमारी हो सकती है, ये सब लिखा हुआ है। अभी तो सिर्फ 2 ही आए, अभी तो 2 ही के बारे में आया ना। फिर आज मैंने एक अखबार की कटिंग देखी, भास्कर ने लिखा कि डरने की जरूरत नहीं है, 1 लाख में से 10 लोगों को ही होगा बस साइड इफेक्ट। मेरा सवाल यह है, वो जो 10 लोग हैं उनका जो परिवार में कमाने वाले आदमी ने कमाने के चक्कर में ठुकवाई थी, या भक्ति में ठुकवाई थी, या लालच में ठुकवाई, या डर में ठुकवाई, या शौक था लगवाने का, या उसने बोर्ड लगा रखा था मैं भी चौकीदार हूं, उसको बाद में लगवाना था मैं भी वैक्सीनेटेड, शौकीन लोग भी बड़े थे ना, लाइन में जाके मैं तो 3 लगवाया आया है कि नहीं, एक आधा ऐसा भी मिला मैंने 14 लगवा लिए, 1-2 ऐसे मिले जो कह रहे थे मेरे तो घुटने ठीक हो गए, आपकी जानकारी में भी किसी ने बोला होगा मेरे तो घुटने दर्द करते थे, पता करो बीमार पड़े हैं इस टाइम, जिनके घुटने ठीक थे हुए थे ना लगने के बाद, 3 महीने के बाद वो बीमार होने शुरू हुए थे, या तो अब वो बिस्तर पर हैं या वो टपक चुके हैं, जिनके घुटने ठीक हुए थे अभी तक ठीक नहीं है उनके वो। फिर वहां लिखा हुआ है 2 साल हो गए अब साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसमें लिखा हुआ है भास्कर में। अच्छा, जो पैदा होते ही लगती है ना उनका असर 45 साल तक होता है, जो पोलियो के पी रहे हैं ना 45 पार करके दिखा दो, जिन्होंने सारी पी रखी है पोलियो की, 45 से पहले पहले हार्ट अटैक हो लेगा, 45 से पहले पहले जिन्होंने अपने बच्चों को ये बचपन में पैदा होने वाले लगवा रखे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 1 लाख में से 10 लोगों को साइड इफेक्ट होने के चांस हैं, उन्होंने बोला। मेरा सवाल यह है, उन 10 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? उन 10 छोड़ो यार, 1 भी आदमी हो, तुम्हारे लिए वो 1 मौत हो सकती है, तुम्हारे लिए वो 1 साइड इफेक्ट हो सकता है, जिसका परिवार है उसके लिए तो वही संसार था, उसकी तो दुनिया उजड़ गई ना, उस परिवार को कौन संभालेगा? वो आशा वर्कर, वो इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर, वो CMO, वो स्कूल का मास्टर जिसने कहा था लगवाना पड़ेगा, या किसी की इकलौती औलाद थी वो चली जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? या वो जिसकी फोटो आती थी उसके ऊपर, या वो जो पेट्रोल पंपों पे लगाता था मौत बांटने के लिए, फ्री में मौत बांटने के लिए मोदी जी का धन्यवाद, फ्री में मौत बांटी ना, और फ्री में नहीं बांटी भैया, हर एक बजट में, साल में 2 बार बजट पेश होता है ना, हर एक सत्र में 30-30 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा था,
250 करोड़ रुपए चंदा खाया है इस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से, आदर पूनावाला से, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। कांग्रेस ने भी खाया है, ममता ने भी खाया, ठाकरे ने भी खाया, मुलायम ने भी खाया, सब ने खाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मोती ने ही खाया, मोती तो समझते हो ना, मोती से थोड़ा कुत्ते वाली फीलिंग आती है कि अडानी का कोई पालतू कुत्ता उसका नाम लिया जा रहा है। सब मतलब कोई देखो, पहले टाटा बिरला के होते थे पहले वाले, अब वाले अंबानी अडानी के हैं, तो मैं फर्क नहीं मानता किसी में। मैं ये मानता हूं कुत्ते कुत्ते ही होते हैं, उनको जो बोटी डाल दे उसके पीछे दुम हिलाना शुरू कर देते हैं। और ये जितने पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं सब पालतू कुत्ते हैं, उद्योगपतियों के लिए ही बनाते हैं। तो आपके वाला हो या हमारे वाला हो, जिसको आपने वोट करी सपोर्ट करी वो भी और मेरे वाला भी, सब पालतू कुत्ते हैं। तो हमने कुत्ते पाल रखे थे, हमको मालूम नहीं था हमारे कुत्ते, हमने डंडे नहीं ठोके इनको, हम गलती में थे। हम लोग इनके आगे दुम हिलाते हम फिरते हैं, कुत्ते ये हैं दुम हम हिलाते हैं, बताओ भैया है गड़बड़ी कर गए बस हम। अब जो तनख्वाह लेता है वो तो नौकर होता है, वो तो OIGS है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज हो सुप्रीम कोर्ट का, या फिर कोई DC हो या कोई भी हो, वो OIGS होते हैं, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, और इंडिया गवर्नमेंट हम होते हैं, सरकार तो हम ही है ना, क्योंकि भारत की हुंकार है तो सरकार हम है, तो सरकार पे नौकर, सरकार के नौकर हैं ये। जो सैलरी लेता है वो नौकर है, नौकर को नौकर की हैसियत नहीं बताई, ये गड़बड़ कर दी हमने, अब भुगत रहे हैं, समझे ना भाई। ठगी हो गई तो हिसाब लेना तो बनता है कि नहीं बनता है। हाँ, मित्रों मित्रों बोलकर पितरों से मिलवा दिया। राम के नाम पर राम नाम सत्य कर गए, जो राम के ला, जो राम को लाए थे वो राम के पास ले गए। देखो वो, देखो राम मंदिर, और वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ कह रहा है जय श्री राम। सबसे ज्यादा ऐसी तैसी जय श्री राम वालों की हुई, क्योंकि चौकीदार बनने के चक्कर में, भगवा लहराने के चक्कर में घर का झंडा फहरा दिया, घर में झाड़ू फिर गई, सब पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। अब होते रहो बीमार, चलो कोई ना, होएगा। ये ऐसे ही होता है, गलत लोगों के साथ लग के, गलत नीतियों के साथ लग के, सिद्धांत की लड़ाई जब हम नहीं लड़ते हैं तब यही होता है। ये जितने भी लोग लालची और डरे हुए थे, इन लोगों का निपटना तो है जारी, पर चलो जो लोग जनता सरकार मोर्चा की शरण में आए हैं उनको डिटॉक्स भी करवाएंगे। मैं नंबर लिखवा दूंगा 8557857235, 85578-57235। इसको बोल के घर में जितने लोगों ने लगवाई हुई हैं, 2 किट प्रति व्यक्ति मंगवा लो, 3 लोगों ने लगवाई तो 6 किट मंगवा लो, 85578 और 57235। शुभम मान, बैल नहीं करने का, व्हाट्सएप करने का खाली, नहीं तो पागल हो जाएंगे ये लोग। ये डॉक्टर सूजन है छत्तीसगढ़ से, उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने बनाया है। जैसे भी आपको लगे बॉडी से डिटॉक्स करने का, ये जहर निकालने का, इसको निकाल लो जितना जल्दी। कुछ लोग कहते हैं सारे नहीं मरेंगे, पक्की बात है सारे नहीं जाएंगे, लेकिन जिस बंदे को लगने के बाद बुखार आया था, चक्कर आया था, खुजली हुई थी, सोजिश हुई थी, लगने के बाद जिसको पता ही नहीं चला और कभी बुखार नहीं आया हफ्ते 10 दिन महीने के भीतर, उसको कुछ भी होने के चांस नहीं है। लेकिन जिसको कुछ भी हुआ था, चाहे घुटने खराब हुए हो, चाहे घुटने ठीक हुए हो, चाहे बुखार आया हो, थोड़ा आया हो या ज्यादा आया हो, हफ्ते भीतर जिसको कुछ भी हुआ है उसको असली माल चढ़ा है। बाकियों को नमक का पानी चढ़ा है, तो 70% को नमक का पानी चढ़ा है, और जिनको बुखार आया था उनको असली चढ़ा है। जिनको असली चढ़ा था उनका गड्डी चढ़ने की तैयारी है, 2025 तक या तो वो परमानेंट बीमार हो लेंगे या अपने राम के पास जा लेंगे।